मैंने कल देखा वो एक और चिट्ठी चिट्ठी आई चिट्ठी थी जिसमें कहा गया था कि कैलकुलेट इस बेसिस पे किया जाएगा। अभी जब ऑर्डर आएगा हम ये देखेंगे, अभी तक तो ऑर्डर कोई ऐसा आया नहीं है। ये कयास आ रहा है कि प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जा रहा है, मुझे नहीं लगता है कि प्रॉपर्टी टैक्स लगाने का ये मौजूद वक्त है जब हमारे लोग गुनागुन मुश्किलात से दो चार हैं। पिछले दो ढाई साल से कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी यहाँ नहीं है, बल्कि मैं कहूँगा 2016 से ही यहाँ इकोनॉमिक डिप्रेशन है। एक साल से तो कोविड के हालात हैं, उससे पहले हम 5 अगस्त 2019 के हालात थे। तो मुझे नहीं लगता है कि ये मौजूद वक्त है, और मेरी गुजारिश होगी यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर से कि अगर ऐसा कोई प्रोग्राम है तो उसे फ़िलहाल इल्तवा में रखा जाए। जहाँ तक उन बच्चियों का ताल्लुक है जिन्होंने हमारे नौजवानों के साथ शादी की है, लीगली दे आर लीगली वेडेड वाइव्स, तो वो हमारी बच्चियाँ हैं। उनकी जो मुश्किलात हैं, मुझे लगता है ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे इट शुड बी अटेंडेड। वक्त की सरकार को चाहिए कि उसे अटेंड करे ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे, ताकि उनकी जो उनकी और उनके बच्चों की जो मुश्किलात हैं वो दूर हो जाएं। वी सिंपथाइज विद देम। थैंक यू सर जी, बताइए।